हेलो वन मैनी दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, कनाडा इंडस्ट्री से एक और अनाउंसमेंट आई है फ्रॉम द शेट्टी ब्रदर्स। इनका नाम है राज शेट्टी। उनके फिल्म का अनाउंसमेंट आया है, पिक्चर का ट्रेलर रिलीज किया उन्होंने। पिक्चर का नाम है टोबी। हमारे साथ में हमारे मुंबई के टू इडियट्स और मैं हूँ रिपोर्टर दिग्विजय आपका। हम तीनों ने मिलकर देखा ये ट्रेलर टोबी का। शुरुआत करूँगा हर बार जैसे हम करते, फर्स्ट मुंबई गोलू से। धन्यवाद। टोबी का ट्रेलर कैसा लगा? हमने कन्नड़ा वर्जन में देखा, सब टाइटल्स के साथ में देखा है। क्या क्या समझ में आया, क्या है ट्रेलर में एग्जैक्टली? पहली बात तो मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बोलने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बॉलीवुड प्रेमी के, कि आज बहुत दिनों बाद इंडियन सिनेमा में ऐसा होगा कि यहाँ पे बजट देख के पिक्चर का अंदाज़ा नहीं लगाया जाएगा या फिर उसके शूट देख के लगाया जाएगा। और दूसरी बात अगर बोलूँ कि पिक्चर के बारे में और कुछ ज़्यादा जानने मिलेगा तो वो होगा उसका कंटेंट, कि पिक्चर के कंटेंट से पता चलेगा कि वो पिक्चर मासी है क्या है और मतलब वो पिक्चर कैसी दिखने में आ रही है। क्योंकि हमेशा हम जब देखते हैं ना कि बजट बड़ा होता है तो पिक्चर वैसी निकलती है, लेकिन इसमें हमने देखा ना 15 से शायद 20 करोड़ के बीच का बजट है। और मूवी के सीन्स देखो यार, मतलब मैं बोल सकता हूँ साइलेंट कल्ट बोल सकते हैं या फिर ड्रामा क्राइम भी हो सकता है, सस्पेंस थ्रिलर हो सकता है। मतलब मज़ा आ गया देख के, मतलब एक एक फ्रेम ऐसा लग रहा है कि पूरा दिल डाल के ये पिक्चर उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा है पहले। कांतारा वाला फील टाइप थोड़ा सा मेरे को आया, जिस तरह से नाम क्या ऋषभ शेट्टी ने जो दिल और जान डाल के पिक्चर बनाई थी, वैसे ही राज ने भी वैसे ही काम करते हुए देखा। बोलना चाहूंगा यार कनाडा वालों को, यार तुम लोग KFI का हटा के ना, कनाडा फिल्म इंडस्ट्री का हटा के ना शेट्टी इंडस्ट्री कर दो तो मजा आ जाएगा यार। ये दो अभी मेरे को याद है, इवन आई नो यश इज देयर एंड ऋषभ सर इज देयर, कि ये दोनों की वजह से कनाडा इंडस्ट्री को ज्यादा इज्जत मिलती है और ज्यादा एक ग्रो मिली है। यश आए KGF में, फिर आए हमारे ऋषभ कांतारा में, फिर रक्षित आए ट्रिपल सेवन में, अभी राज आने वाले। यस, और राज सर का भी जो ये प्लॉट उन्होंने उठाया एक गॉड के ऊपर है, और टोबी आई थिंक सो नाम ही गॉड इज ग्रेट और गॉड इज गुड। जो कैरेक्टर है, जो राज का कैरेक्टर है, उसका नाम टोबी है। यस, और मैं पोस्टर के बारे में बता दो, पोस्टर उन्होंने इतना सिमिलर बनाया है, खुद का लुक इतना सिमिलर बनाया है कि वो जो शिप का उन्होंने जो वर्णन किया है उनके ट्रेलर में, वो जो पोस्टर मैंने देखा ना, मतलब सिमिलर टू शिप लग रहा है। मतलब वो ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि शिप का जो आगे का फेस होता है ना, वो सेम ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर में बिठाया है। दो पोस्टर आए, एक शिप का एक और एक राज का है, दोनों आप देखना। और मैं बोलना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन दे रहा है गुरु, और मैं बोलना चाहूंगा जो स्टार्टिंग में एक डायलॉग है, मतलब एक जो बच्चा या शायद लड़का है वो बोलता है ना कि शिप जब यहाँ से गाँव से चला जाता है ना, तो वो शिप जब रिटर्न आती है तो वो शिप नहीं रहती है, वो शैतान आके कन्वर्ट्स इनटू द बीस्ट। तो मैं सच बोलता हूँ, मतलब ये जो एक इंसिडेंट इसमें दिखाने वाले, ये भाई मैं बोलता हूँ क्लाइमेक्स मस्ट वॉचेबल, क्योंकि क्लाइमेक्स के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। और मैं अच्छा लगा है ट्रेलर। और मैं अनाउंस करना चाहूंगा बॉलीवुड प्रेमी की तरफ से, पिक्चर कनाडा में रिलीज हुई ना सर, आपके रीजनल लैंग्वेज में देखेंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद हिंदी में डब होके आई ना, तो भी वो हिंदी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो का भी करेंगे और रिव्यू भी करेंगे, देखेंगे भी और रिव्यू भी करेंगे। बात है, गुड ट्रेलर यस, समथिंग वेरी क्रिएटिव, कुछ नया देखने मिला है। वापस से कनाडा इंडस्ट्री आता हूँ थर्ड के पास में समृद्ध। हाँ जी सर, आपको कैसे लगा ये टोबी का ट्रेलर? सर जी, जय सैंडलवुड। जय सैंडलवुड, ओके। बहुत टाइम के बाद बोल रहा हूँ जय सैंडलवुड वंस अगेन। भाई यार, ये ट्रेलर यार टोबी, मैंने जब ये साउंड देखा, बोला टोपी है या टोबी है, मेरे को वैसा साउंड आया, मैं बोला ये टोपी है, 1500 की नहीं यार। बट देखो, अभी ये टोबी का जैसा मैंने ट्रेलर देखना चालू किया, मैं सोचा ये हो क्या रहा है, लेकिन आफ्टर 2.5 मिनट के बाद, करेक्ट टाइमिंग है मेरा, 2.5 मिनट के बाद जब वो राज शेट्टी जब छलांग मारते हो, उससे जब एक ये रहती है, करेक्ट, नोज रिंग, वहाँ पे कुछ ऐसा माना जाता है उनके जो गांव में, ऐसा दिखाया है कि वो शीप को ये लोग पूछते हाँ। और उसको नोज रिंग लगाते और वो शीप गायब हो जाती है, और अचानक राज आते वही नोज रिंग, फिर जो पिक्चर में ट्विस्ट आता है। ओहो, देखो जितना तो मैंने ट्रेलर देखा, जितना तो मुझे इतना समझ में आया कि साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊँ। ओहो, ये मुझे डिस्क्राइब किया बॉस, मुझे मतलब बोलता हूँ ना यार, घुसबम दिया यार। मतलब 3 मिनट 5 सेकंड का ये ट्रेलर में मुझे तो बहुत मजा आया। एंड बोलते ना कनाडा इंडस्ट्री के जो 3 शेट्टी ब्रदर्स है, ट्रिपल आर, और मैं तो बोलूंगा यार रिटर्न बाय राज बी शेट्टी, नाम तो सुना ही होगा यार, हम लोग तो आज सुना, लेकिन सुना तो जरूर
देखो यार इधर राज, इधर तीन शेट्टीज है, हमारे बॉलीवुड में दो शेट्टीज है, समझ गया क्या आप? दो शेट्टीज कौन है कमेंट सेक्शन में बता दो। तो यार प्लीज, मैं तो ये 28 अगस्त को पिक्चर रिलीज होने ड्रीम गर्ल के, 25 अगस्त को ड्रीम गर्ल के साथ में ये पिक्चर आने वाली, पिक्चर आने वाली है। और सबसे मतलब ड्रीम गर्ल को खतरा है। यस, और ऐसे भी हमको ट्रेलर पसंद आया नहीं है, आया नहीं है। देखो यार अभी चाहे तो भाई ड्रीम गर्ल को तो हम लोग देख ही लेंगे यार, देखेंगे अगर आप सुपर थैंक्स भेजोगे तो आपके पैसे से टिकट भी खरीदेंगे। हाँ, और पब्लिक तो हमको गाली देते है, वो तो चलता है, हम लोग पैसा खाया है तो देखो जैसा हमको लगा, हमने आपको ट्रेलर का वर्डिक्ट दिया है, बता दिया। और सुनने में ये भी आया है कि जो नोज रिंग जो राज ने पहनी है वो असली में पियर्स करके पहनी है। यस, उन्होंने पूरा पिन मार के वो सीन के लिए उन्हें जान डालना है यार, शेट्टी ब्रदर्स से ही भाई समझो यार। Correct. क्योंकि यार रक्षित शेट्टी ने हमको 777 चार्ली में रुलाया था। Yes, चार्ली इधर आके बैठा। हाँ, और सबसे और ऋषभ शेट्टी ने हम लोग को क्लाइमेक्स में डराया था, और अभी ये भाई मैं तो बोलूंगा थिएटर का मैनेजर ऐसे ही पागल हो जाएगा, बोले ये क्या पिक्चर। अगर हमारे यहाँ के स्टार होते ना तो लोग क्लिप वाली पिन पहन, मतलब ताकि हमको कुछ दर्द ना हो, ये ना हो। लेकिन इनका जब जान डालते पूरी पिक्चर में तो यहाँ से मालूम पड़ता है खुद ने पियर्स किया। फिर उनको पूछा भी गया तो लोग उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा स्कार बचा है, अभी दर्द नहीं होता। देखो मैं एक बताना, कोई कोई लोग ऐसे भी करते है कि फेक साड़ी लेके फेक बाल लेके भी ऐसा 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 नाचते भी है। अब समझ गए कौन है वो। ओके, आपको भी पसंद आया ट्रेलर? मुझे भी काफी अच्छा लगा, इम्पैक्टफुल लगा, बहुत अलग क्रिएटिविटी दिखी इस ट्रेलर में, वेरी प्रॉमिसिंग। 25 को जाएंगे जैसे कि गोलू ने बोला कि उनके लैंग्वेज में देखना ही देखना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये महीने में सर जी इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए, इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट आ रहे हैं थिएटर्स में, ओटीटी पे तो है ही दो तीन, लेकिन ये देख के ना ऐसा लगा कि कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। हवे का झोंका आ गया है, वो हवे के झोंके ने फील ले दिया कि कुछ तो आ रहा है, और ड्रीम गर्ल हिलने वाला बॉक्स ऑफिस पे। यस, हिलेगा हिलेगा, जरूर हिलेगा। मतलब कनाडा वाले अपने लैंग्वेज में आए के ये अगर बॉलीवुड की फिल्म हिला के जा रहे तो हम क्या कर रहे हैं। पिछले बार दोनों शेट्टी ने करके दिखाया, वो इस बार राज भी करने वाला है फाइनली। यस, मैं बोलने वाला पूजा को लिटरली पूजा करना ही पड़ेगा पिक्चर बचाने के लिए भाई। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा जरूर बताना हमको कमेंट्स में, और ये रिव्यू कैसा लगा वो भी बताना, और कितना मतलब क्या अलग आपको इस ट्रेलर में देखने मिला अलोंग विद द सबटाइटल्स, वो भी हमको जरूर बताना। और फाइनली लाइक बोलना चाहूंगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटा दबा दो, स्पेशल थैंक्स भेज दो। और आपको तो पता ही है हम बुरा तो बोलते नहीं, अच्छा अच्छा भी नहीं बोलते, जो रहता है ऑनरली सच्चा। थैंक यू फॉक, शूट, आई एम सो सॉरी।